नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 8 Pro वर्सेस Poco M4 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 8 Pro में 6.32 इंच जबकि M4 Pro 5G में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 8 Pro में 2.91 इंच जबकि M4 Pro 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 8 Pro में 0.32 इंच जबकि M4 Pro 5G में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 8 Pro से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो 8 Pro में 176 ग्राम्स जबकि M4 Pro 5G में 195 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि 8 Pro से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 8 Pro में सुपर AMOLED जबकि M4 Pro 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 8 Pro में 6.4 इंचेस जबकि M4 Pro 5G में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 8 Pro में 83.32% जबकि M4 Pro 5G में 84.97% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 8 Pro में 411 पिक्सल प्रति इंच जबकि M4 Pro 5G में 399 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 8 Pro में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और M4 Pro 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 8 Pro में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और M4 Pro 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 8 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और M4 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 8 Pro में Adreno 618 जबकि M4 Pro 5G में Mali-G 57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 8 Pro में Qualcomm Snapdragon 720G और M4 Pro 5G में MediaTek Dimensity 810MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो 8 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि M4 Pro 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 8 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि M4 Pro 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो 8 Pro में अप टू 256GB जबकि M4 Pro 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी 8 Pro में 4500mAh जबकि M4 Pro 5G में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 8 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 6 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस, 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें M4 Pro 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 गीगाबाइट रैम 64 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme 8 Pro में 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Poco M4 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 8 Pro आगे है, मेन कैमरा में 8 Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 8 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M31 प्राइम है, दूसरा रियलमी GT Neo है, तीसरा मोटो G51 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो Y21T है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।